डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड फैक्ट अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन रहा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आपने 20 में से कितना स्कोर किया ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है मार्च 1905, तो यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। और 1905 से आपको दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए कि बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था, ये भी याद रखना है। और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन डी चूज़ किया तो बिल्कुल ही करेक्ट है, 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें। सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इंडियन रेलवे के फादर भी कहे जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, तो याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, इंडिया की फर्स्ट ट्रेन है, इसके बारे में यहां पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देख लें। तो ये मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लें, बोरी बंदर से जो मुंबई में है थाने तक चलाई गई थी, और 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल की थी और 3 इंजन थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था। जो सबसे पहली भारत में ट्रेन चलाई गई उसका क्या नाम था। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ब्लैक ब्यूटी या समझौता एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लैक ब्यूटी ऑप्शन सी चूज़ किया तो बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे 80 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के टेस्ट यहाँ पे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज़ नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बिजली चलित ट्रेन का क्या नाम है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली पहली ट्रेन। तो फ्रेंड्स, फोटो में देख के आप पहचान गए होंगे, डेक्कन क्वीन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चली थी, यहाँ पे देख लें, मुंबई से पुणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सारे लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये चीज़ और देख लें, यहाँ पर मैप में आप देख रहे होंगे, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये केरल में है और डिब्रूगढ़ असम में है, ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ए एवं बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर करिए, अगर आपने डी ऑप्शन चूज़ किया, ए और बी दोनों, तो बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन अब ये दोनों ट्रेनों की सेवाएँ बंद हो चुकी हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के बीच में चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेनें चलाई जाती हैं, और समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर करें। जॉन मथाई, ममता बनर्जी, आसफ अली, लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम रेल मंत्री की बात हुई है, ना कि प्रथम स्वतंत्रता के बाद रेल मंत्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आसफ अली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो बने थे वो यहाँ पे जॉन मथाई बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ये थर्ड रेलवे मिनिस्टर थे। यहाँ पे आप देख लें, भारत के प्रथम रेल मंत्री अशरफ अली थे, जो कि भारत के 2 सितंबर 1946 को बने थे और 14 अगस्त 1947 तक। उसके बाद जॉन मथाई,
ये 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948, सन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जॉन मथाई ये कहीं बाहर के नहीं थे, विदेश के नहीं थे, ये केरल के थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो भारत का रेल बजट जो प्रथम पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, आसफ अली, जॉन मथाई या नन? तो फ्रेंड्स, जॉन मथाई ने पहला रेलवे बजट पेश किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके बताएं। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, सारे लोगों ने इसका आंसर ए किया होगा, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से और भी बन जाते हैं। पीर पंजाल रेल सुरंग है, इसे वनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं, ये भी बात याद रखनी है। और ये 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय के पीर पंजाल पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये सुरंग यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी विद्युतकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है? विद्युतकृत, यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो पीर पंजाल है ये विद्युतकृत नहीं है, तो विद्युतकृत बतानी है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। गलती में फ्रेंड्स ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल के चक्कर में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे विद्युतकृत की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देख लें आप, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, ये चेरलो पल्ली और रापुर स्टेशन के बीच में, और ये 6.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी मुगल सराय रेलवे स्टेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन रख दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो फ्रेंड्स सारे लोगों ने इसका आंसर गोरखपुर जंक्शन लगाया होगा। तो इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। यह भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, दुनिया का भी ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। 6/10/2013 को फ्रेंड्स क्या हुआ था, रीमॉडलिंग के काम के बाद गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म 1 और 2 को संयुक्त लंबाई कर दी गई थी। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस तरीके से है और 2 ऐसा है यहाँ पे, तो बीच का भी ये कवर करके ये पूरी लंबाई फिर हो जाती है यहाँ पे 1366 मीटर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? सारे लोगों का इसका आंसर पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर कुछ लोगों ने शताब्दी एक्सप्रेस लगाया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लगाया है। ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इसका फ़ोटो रहा, फ़ोटो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए एक लाइक यहाँ पे भी आप कर दें अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। देश की पहली इंजन रहित सबसे तेज ट्रेन 18 का हुआ ये कोटा से फ्रेंड्स साबई माधोपुर के बीच किया गया सफल परीक्षण। इसकी जो स्पीड थी वो 160 किलोमीटर पर घंटे थी, काफ़ी अच्छी स्पीड इस ट्रेन की है, 160 किलोमीटर पर घंटे, याद रखना आपको स्पीड भी याद रखना है। भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी 18 यहाँ पे जोन है, ये बात आपको याद रखनी है, पता होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे जो रेलवे की लंबी टनल है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है ये, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गॉटहार्ड वेस टनल, ठीक है। याद रखना है आपको, गॉटहार्ड वेस टनल दुनिया की सबसे लंबी रेलवे टनल है। टनल का मतलब होता है फ्रेंड्स सुरंग, ठीक है, पता होगा ज़्यादातर लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन, इंडिया की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? डबल डेकर ट्रेन देखी होगी आप लोगों ने, कि
ऊपर भी एक कोच होता है, इस तरीके से होती है, यहाँ भी पैसेंजर्स बैठते हैं, यहाँ पे भी बैठते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस। तो याद रखना है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे कैबिनेट मंत्री कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सारे लोगों को इसका आंसर करेक्ट देना है। तो फ्रेंड्स रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो सारे लोगों ने इसका आंसर पीयूष गोयल किया होगा, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्ज़ाम में। भारतीय रेलवे के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आपके पास आ जाए।